हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल पीडी कैंपस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में, जो वर्ड्स हम ओपन कंफ्यूज करते हैं, जिनको हम मिसयूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं। इसका पार्ट वन यानी कि क्लास वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप आपने वो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में इंग्लिश बाय गगनदीप सर, उस प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है। आज हमको डिफरेंस देखना है सबसे पहले इन दो वर्ड्स के बीच में, कि एफेक्ट और इफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसको मैं सेंटेंस के थ्रू भी आपको बताऊंगा। देखो, जो इफेक्ट वर्ड होता है ना, वो एक वर्ब होती है, और जो इफेक्ट वर्ड होता है वो एक नाउन होता है। यहां से भी अभी बात क्लियर नहीं हुई, ध्यान से समझो। इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव होना। इफेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज का प्रभाव होना। और इफेक्ट क्या होता है? कि लास्ट में उसका जो रिजल्ट हुआ, उसका जो परिणाम हुआ, उसको हम कहते हैं कि ये उस चीज का इफेक्ट हुआ। ये डिफरेंस है इस चीज के अंदर। और एक चीज हमने और देखी कि ये जो इफेक्ट होता है, जिसके अंदर ए होता है, ये वर्ब होती है, ये इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है। इट मींस व्हाट के कहीं पे लिखा है कि ही इफेक्ट्स, तो ये सेंटेंस तो ठीक है, क्योंकि वर्ब के पीछे ऐसी आईएस लग सकता है। लेकिन अगर ऐसे लिख रखा है ही इफेक्ट्स, तो ये गलत होगा, क्योंकि इफेक्ट तो एक नाउन है, और नाउन के पीछे एस आई एस जब वर्ब के पीछे लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस आई एस लगाते हैं, वो अलग चीज होती है। यहां पे ये वर्ब की तरह काम करेगा, तो ये इस तरीके से इसके पीछे एस आई एस नहीं लगेगा। तो हमको इन चीजों को यहां से समझने की कोशिश करनी है, बाकी एक सेंटेंस के थ्रू और ही अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं कह देता हूं कि बैड वेदर, बैड वेदर यानी कि बुरा जो मौसम होता है ना, वो क्या करता है? अफेक्ट्स अवर हेल्थ, अफेक्ट्स अवर हेल्थ, हेल्थ एंड द इफेक्ट इज, एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड। कि बुरा मौसम जो होता है ना, वो हमारे शरीर को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी कि इफेक्ट्स करता है। हमने यहां पे इफेक्ट वर्ड का प्रयोग कर लिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि उसका जो परिणाम होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि हमको खांसी और जुखाम हो जाता है। तो ये तो इफेक्ट हो गया भाई, इफेक्ट परिणाम वाला, और ये हमारा क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। इफेक्ट मतलब किसी चीज का प्रभाव होना, प्रभाव मतलब उस चीज का इन्फ्लुएंस होना। आई होप ये जो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से और बाकी हम वर्ड सीखेंगे, उनके सेंटेंस के द्वारा चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई, डिफरेंस क्या होता है अपोजिट और ओपोजिट के बीच में। देखो, अपोजिट जो वर्ड होता है, जो यहां पे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रॉपर, इसका मतलब होता है उपयुक्त। कोई चीज है, कोई एग्जाम्पल हमने लिया है, तो हम कहेंगे भाई ये इस चीज के लिए अपोजिट एग्जाम्पल है। अपोजिट मतलब उपयुक्त होता है। लेकिन ओपोजिट जो होता है, ओ वाला जो है, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रारी, विपरीत कह लो एक तरीके से। या भाई उस दुकान के ओपोजिट में वो वाली दुकान है, यानी कि ए के ओपोजिट में बी है, तो उसके सामने इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों तरीके से ओपोजिट का प्रयोग हो सकता है, या तो किसी चीज के विपरीत कह लो, या उस चीज के सामने कह लो। जैसे इन सेंटेंस में हम देखते हैं द जजमेंट इज वेरी ओपोजिट टू द प्रेजेंट केस। भाई ये जो जजमेंट है ना, ये इस केस के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो उपयुक्त के लिए तो हमने अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया, ए वाले का, ठीक है। लेकिन यहां पे दे रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वे दौड़े, तो इसका मतलब वे विपरीत डायरेक्शन में, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है। तो वे दोनों किस में दौड़े भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़े। इस तरीके से हमको चीजों का यहां पे ध्यान रखना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट दो वर्ड है भाई, बिल्कुल सिमिलर से हैं। वे वर्ड यहाँ पे क्या है कि हमको पता होना चाहिए, एमेंड, ए एम ई एन डी वाला, और इमेंड, ई एम ई एन डी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एमेंड का मतलब तो होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, जैसे अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं। संशोधन में हम क्या करते हैं भाई? चीजों को इम्प्रूव करते हैं, नई कोई चीज उसमें एड करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, किसी चीज को हटा दिया या किसी चीज को जोड़ दिया। लेकिन इमेंड का क्या मतलब होता है? इमेंड का मतलब होता है टू रिमूव द मिस्टेक्स। देखो यहां पे मिस्टेक्स को हटाना, मान लो पहली एक कोई किताब आई,
मतलब कोई भी बुक है उसकी पहली कॉपी आई, पहली कॉपी लोगों के पास गई, दूसरी कॉपी लोगों के पास गई, उन्होंने देखा कि उस किताब में एरर थे, स्पेलिंग एरर थे या कोई क्वेश्चन लिख रखे हैं तो उस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आंसर गलत दे रखे थे, तो फीडबैक आए और दोबारा उन्होंने क्या किया, अब उसको रखा तो वैसे ही लेकिन जो गलतियां थी वो निकाल दी, टू रिमूव दी मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स को निकाल देना इमेंड करना कहलाता है और संशोधन करना उस चीज में क्या कहलाता है, अमेंड कहलाता है। इन दोनों में बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा, ये बातें हमको ध्यान रखनी है। तो द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू अलाउ वुमेन टू वोट, कि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें संशोधन किया गया और अब क्या किया गया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे अमेंडेड किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और दूसरे वाले में द न्यू वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल इमेंड द ओरिजिनल वर्जन, के जो सी नई वाली किताब आ रही है, नए वाला जो वर्जन आ रहा है इस टेक्स्ट बुक का, उसमें जो पुरानी किताब में जो गलतियां थी ना उसको रिमूव करके और अच्छे से इसको बनाया जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस हमको समझना है भाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अमोरल और इमोरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो मोरल तो हम सभी को पता है, मोरल मतलब तो नैतिक होता है, मोरल मतलब तो नैतिक होता है, जैसे मोरल शिक्षा होती है तो नैतिक शिक्षा होगी। लेकिन अमोरल भी मोरल का उल्टा, इमोरल भी मोरल का उल्टा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अमोरल तो होता है भाई अनैतिक, अनैतिक हो गया, ठीक है, और इमोरल हो गया भाई नीनैतिक। अब ये नीनैतिक और अनैतिक में भी डिफरेंस हमको नहीं पता। देखो मैं अच्छे से समझाता हूं, अमोरल का मतलब हम ऐसे एक चीज को कहेंगे जिसको पता नहीं है कि भाई चीज ठीक क्या और गलत क्या है, सही गलत में डिफरेंस नहीं पता। मान लो कोई बच्चा है, अब बच्चे को नहीं पता भाई क्या गलत है क्या ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो अमोरल है, ठीक है। लेकिन इमोरल क्या है कि उसको पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहा है, उसको हम इमोरल कहेंगे। बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा से आपको बताता हूं मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है अमोरल का मतलब होता है कि पर्सन को पता ही नहीं है कि गलत और ठीक के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, उसको तो अमोरल कहेंगे। लेकिन अगर गलत और ठीक के बीच में डिफरेंस पता है और उसके बावजूद भी वो गलत कर रहा है तो उसको इमोरल कहेंगे। देखो जैसे पहले वाले में अमोरल में क्या लिखा है, हैविंग नो मोरल सेंस, भाई किसी को मोरल सेंस है ही नहीं। और दूसरे वाले में नॉट कॉन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्म मतलब उस चीज को स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना टू मोरल स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड है, वर्ड बड़ा था इसलिए मैंने इसको स्क्रिप्ट करके इस तरीके से लिख दिया। तो यहां पे देखो भाई, ये कोई पर्सन का नाम है, वो ग्रू अप हुआ है टू बी एन अमोरल मैन, वो अमोरल मैन की तरह ग्रू अप हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हिज पेरेंट्स नेवर टोल्ड हिम, उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं बताया द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, के सही और गलत में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर किसी के माँ बाप बताएंगे ही नहीं कि सही और गलत में क्या डिफरेंस है तो उसको कैसे पता लगेगा। लेकिन दूसरे वाले में देखो, ही फाउंड, उसने पाया एन इग्नोरेंट, मतलब जो इग्नोर करता है, एंड करप्ट, और जो करप्ट आपको पता ही है भ्रष्टाचारी, सोसाइटी रूल्ड बाय एन इमोरल, इमोरल मतलब जो व्यक्ति जान करके गलत काम करता है, येट फैनाटिकल मोनार्क, मोनार्क मतलब होता है भाई शासक। ये सारे वर्ड अगर आपको नहीं पता है तो लिख सकते हैं, मोनार्क होता है कहीं का भी शासक, मोनार्की राजतंत्र होता है एक तरीके से, फैनाटिकल मतलब जो सनकी होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, इमोरल आपको पता ही है दुष्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं, करप्ट मतलब भ्रष्टाचार के लिए हम यूज करते हैं, सोसाइटी क्या होती है समाज होता है, और इग्नोरेंट क्या होता है जो गौर नहीं करता, जो इग्नोर नहीं इग्नोर करता है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इन सारे वर्ड्स को जोड़ के आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ द वर्ड्स, और इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिक्स एंड एंटीक्स। देखो ये वाला जो पहला है ANTICS, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, मान लो कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे हंसी आ जाए, ऐसी हरकत जिससे हंसी आ जाए, उसके लिए हम पहले वाले वर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहते नहीं भाई ये चीज तो एंटीक पीस है, मान लो कोई पुराना सोने का सिक्का है, कई हजारों साल पुराना है, तो जो भी ऐसी पुरानी चीज होती है, एंशियंट पीस ऑफ आर्ट, पुराना कोई प्राचीन पीस ऑफ आर्ट है, कोई कला की कोई भी चीज है, कोई बुक लिख रखी है या कोई भी चीज हो सकती है, कोई कलाकारी है, कोई फर्नीचर है, उसको एमेंटिक कहते हैं। दूसरे वाला क्या हुआ वाला, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या देखते हैं भाई, मैथ्यू था वो लाफ कर रहा था, हंस रहा था अनकंट्रोलेबली, बिना रुके, ओवर द एंटिक्स ऑफ द पप्पी। पप्पी मतलब जो कुत्ते का छोटा बच्चा था, उसने कोई ऐसी हरकत करी जिससे उसको हंसी आ गई, तो ये जो हरकत है ना उसको तो एंटिक्स TICS वाला कहेंगे। लेकिन दूसरे वाले में द लार्ज रूम, ये जो बड़ा सा रूम था, कंटेंड सम ऑफ द मोस्ट,
ब्यूटीफुल एंटीक फर्नीचर सी हैड नेवर सीन, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें थी, पुराने आर्ट ऑफ पीस थे जो उसने आज तक कभी नहीं देखे थे। तो दिस इज हाउ वी रिलेट द थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली यूजिंग दिस सेंटेंस एंड देयर मीनिंग इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई अप्रेज और अप्राइज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अप्रेज जो वर्ड है, अप्रेज का मतलब होता है एसेस द क्वालिटी। एसेस करना मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। एसेस का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब, अप्रेज का मतलब भी क्या हो गया, मूल्यांकन करना हो गया, और ये दोनों आपस में क्या हो गया भाई, सिनोनियम हो गए, ठीक है। लेकिन अप्राइज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, मतलब हिंदी में अगर आप निकलना चाहें तो इसका मतलब होता है सूचित करना। क्या करना भाई, सूचित करना होता है अप्राइज का मतलब। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को देखो, सी वॉक्ड अराउंड द साइड ऑफ द हाउस टू अप्रेज द डैमेज। भाई मान लो उसके घर पे कोई मतलब साधन जाने वाला कोई भी व्हीकल है, वो टक्कर मार गया, तो अब उसके घर में नुकसान हो गया, तो वो ना घर के अराउंड द साइड ऑफ द हाउस, मतलब घर के साइड से वो घूम रही थी, टू अप्राइज, टू अप्रेज मतलब मूल्यांकन करने के लिए द डैमेज, के नुकसान कितना हुआ है। तो उसमें यहाँ पे अप्रेज वर्ड का प्रयोग हुआ। लेकिन सेकेंड अगर मैं देखते हैं तो द एक्स आई एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद की, एक्सपेक्ट मैंने उम्मीद करना, और एक्सेप्ट एक्सपेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई एक्सपेक्ट माई सन एज टीचर, मैंने मेरे मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ मेरे सन मेरे बेटे के टीचर से टू अप्राइज मी, मतलब मेरे को सूचित करे ऑफ इज एकेडमिक स्ट्रगल, कि भाई वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में मुझे सूचित करे, ये मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, जो भी है। तो इस तरीके से हम इनको वर्ड्स को प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंदर, और बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्यूजन एंड इल्यूजन। एल्यूजन जो होता है, एल्यूजन का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। एल्यूजन मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी कि कोई भी एक तरीके से हिंट देना। हिंट के लिए अक्सर हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इल्यूजन होता है ना, इल्यूजन तो भ्रम पैदा करना होता है, इल्यूजन तो किसी को धोखा देने से रिलेटेड होता है, मतलब है कोई चीज और हम इल्यूजन पैदा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे 3D इमेज बनाई जाती है, कि सड़क के ऊपर 3D को इमेज बना दी जिससे ऐसे लगे वहां पे गड्ढा है, लेकिन वहां पे गड्ढा था नहीं, ताकि भाई कोई अगर व्हीकल आ रहा है तो वो उसको इजी कर ले, थोड़ा हाँ रोक ले गाड़ी को, मंदी कर ले, धीमे कर ले। तो इस तरीके से तो वो इल्यूजन पैदा करना हो गया, भ्रम पैदा करना हो गया। एल्यूजन मतलब हिंट देना होता है किसी चीज का, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है कि हम डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली किसी चीज को कहते हैं, और इल्यूजन होता है भ्रम। जैसे देयर आर एल्यूजन टू द हिब्रू, हिब्रू एक्सोडस। एक्सोडस आपको मैंने बताया था प्रीवियस से प्रीवियस क्लास के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है इस बार एसएससी सीजीएल में, एंटोनियम में ये क्वेश्चन आया था। एक्सोडस का क्या मतलब होता है, एक्सोडस मतलब होता है जब बहिर्गमन होता है, बहुत सारे लोगों को किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजा जाता है, निकाला जाता है एक तरीके से, तो उसको एक्सोडस कहते हैं। तो इस बुक के अंदर इनडायरेक्ट रेफरेंस है, भाई डायरेक्टली तो नहीं बताया गया लेकिन इनडायरेक्ट रेफरेंस है किस चीज के, जो हिब्रू लोगों को एक्सोडस किया गया था, उनको निकाला गया था, इन दी बुक ऑफ इशाया, कोई बुक है इस नाम से, तो उस चीज में। और सेकंड वाले में दे यूज्ड पेंट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मेटल, वे मतलब पेंट का प्रयोग करके इस तरीके से भ्रमित करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो मेटल की चीज है, जैसे कि वो किसी धातु की चीज है। तो इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा करना होता है, और एल्यूजन मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, तो ये सच में इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको क्या डिस्कस करना है कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। देखने में सिर्फ इतना ही लग रहा है कि इसमें एस ऐड कर दिया गया तो एक ही चीज होगी, लेकिन एक चीज नहीं है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। मैं कहता हूं कि मोहन और सोहन बिसाइड बैठे हैं, तो इसका मतलब वे एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, इसका मतलब क्या होता है, के बगल में, पहले वाले का, ठीक है, के साइड में। बिसाइड से ही पता लग रहा है, साइड वर्ड आ रहा है तो उसके साइड में बैठा है, और बिसाइड्स के अंदर एस एक्स्ट्रा है ना, एस अलावा आता है ना, तो इसी का मतलब अपार्ट फ्रॉम। दूसरे वाले का क्या मतलब होता है, के अलावा। जैसे मैं दो सेंटेंस बोलता हूँ, आप ध्यान से समझिए, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि उसने ना जो चाबियां है ना वे लटकाई हैं डोर के बगल में, दरवाजे के बगल में, तो इसमें हम बिसाइड वर्ड का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसके बगल में लटकाई है, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या करें, देर वॉज नो वन इन द रूम, उस रूम में कोई नहीं था, बिसाइड्स टॉम एंड मैरी, टॉम एंड मैरी के अलावा,
तो यहां पे साइड में नहीं, टॉम एंड मैरी के अलावा कोई नहीं था उस रूम में, तो यहां पे बिसाइड्स का प्रयोग किया, और यहां पे दरवाजे के साइड में चाबियां लटकाई थी तो बिसाइड का प्रयोग किया। तो इस तरीके से इन वर्ड्स का प्रयोग करना है। ये आ जाते हैं ये सेंटेंस, यहां पे फिल इन दी ब्लैंक्स बना के दे देंगे, बिसाइड भी दे देंगे, बिसाइड्स भी दे देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में बंदा पूछ क्या रहा है, और पूछ रहा है तो उन दोनों का आपको मीनिंग पता है या नहीं पता, फिर आप उसका अप्रोप्रिएट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो भाई, बहुत ही अच्छे वर्ड है, ब्रिडल और ब्रिडल, दोनों बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन जो पहले वाला है बी आर आई डी एल ई, इसका मतलब होता है घोड़े की लगाम, घोड़े की लगाम। और दूसरे वाला जो होता है ना, दूसरे वाला जो ब्रिडल है, उसका मतलब क्या होता है, शादी से संबंधित, रिलेटेड टू दी ब्राइड, ठीक है, या फिर ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे या दुल्हन से संबंधित, यहां पर बात हो रही है ब्रिडल, शादी से संबंधित। रिमूविंग दी ब्रिडल, He released the horse in the corral. Corral मतलब एक तरीके से बाड़ा होता है, कि उसने लगाम उसकी निकाल दी और घोड़े को बाड़े में छोड़ दिया। और दूसरा the woman's bridal dress, जो महिला थी उसकी जो शादी वाली ड्रेस थी ना, वो too tight for her, कि उसके लिए ना बहुत ज्यादा टाइट थी, मतलब उसको बहुत ज्यादा भीड़ी थी। तो ये कुछ वर्ड है ओरिजिन का हमने सेंटेंस के अंदर यहाँ पे प्रयोग किया। अब नेक्स्ट देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, कोई चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है तो इसका मतलब वो चीज हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है, ठीक है, यूजफुल है, लाभदायक है। लेकिन बेनिफिशियरी वो होता है जिसको लाभ प्राप्त होता है, वन हु रिसीव बेनिफिट। मान लो किसी के पिताजी के पास बहुत सारी जमीन है, तो वो जमीन किसको मिलेगी, वो उस जमीन का बेनिफिशियरी कौन होगा, तो उसके बच्चे उस चीज के उस जमीन के बेनिफिशियरी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी वो होगा जो उस चीज से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से हमको चीजों। या फिर आप ऐसे लगा लो कि कोई ऐसी चीज हो रही है, मान लो एकदम से ना गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, तो बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी वो होगा जिसके पास बहुत सारा गोल्ड होगा, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उस चीज का, तो वो उस चीज का क्या होगा भाई, बेनिफिशियरी होगा। बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ मिलता है, और बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। सेंटेंस देखो, ही होप्स, उसने आशा की द न्यू ड्रग, के जो नई दवाई है, विल इम्प्रूव, विल प्रूव बेनिफिशियल टू मैनी पीपल, के वो बहुत सारे लोगों को लाभदायक सिद्ध होगी, तो यहाँ पे तो बेनिफिशियल वर्ड का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही वॉज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ हिज फादर्स विल, विल मतलब क्या होता है, विल मतलब होता है वही जो बनाई जाती है एक तरीके से, बाद में लिख के देते हैं ना कि मेरी जमीन कहाँ पे जाएगी या मेरा पैसा कहाँ पे जाएगा, वो जो एक तरीके से लिख के दिया जाता है, वसीहत जिसको हम कहते हैं, वसीहत जिसको हम कहते हैं, उसी को हम वसीयत को ही इंग्लिश के अंदर विल कहा जाता है, और उसका जो चीफ बेनिफिशियरी है ना, वो ही है, ही यहाँ पे सिर्फ ही लिखा है। तो इस तरीके से हमको चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी, आई होंगी, और ये जितने भी वर्ड मैंने कराए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जहां पे भी खालिस्तान आते हैं वहां पे ये वर्ड्स ऑप्शन में दिए जाते हैं, और इनमें से चूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इनको समझिए, चीजों को ध्यान दीजिए, और आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।